नमस्कार। आज हम एक विषय लेकर आए हैं जो अप्सरा साधना से संबंधित है। काफ़ी साधकों का कमेंट आ रहा था, इसलिए यह मुझे बनाना पड़ा, और क्षमा चाहते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं, थोड़ी सी समय की कमी हो रही है और थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई, इस वजह से हम आपकी सेवा में नहीं आ पा रहे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का नाम है, क्या अप्सरा साधना में हानि होती है, और मैंने अप्सरा साधना की और मुझे इससे नुकसान हो रहा है। इस टाइप के सारे जितने भी कमेंट थे उन सभी के जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अप्सरा साधना करने से नुकसान होता है, ये सत्य है या असत्य है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में आता ही होगा कि मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अप्सरा साधना कर सकता हूँ, या कि मैं रिलेशन में हूँ, मैं अप्सरा साधना करने से कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पारिवारिक झगड़े शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे साधक करने के बाद ये बताते भी हैं कि मेरे साधना करने के बाद ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। तो साधना का इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि पहली बार YouTube चैनल पर आए हों तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाते जाते लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं, आपके व्यू ज़्यादा आते हैं तो हमको बड़े खुशी मिलती है, और हम होता है कि हमको ये वीडियो बनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, समस्या आपकी ये है कि इसको करने से क्या मेरे घर में समस्या आती, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ऐसी चीज़ों को भी इन चीज़ों से जोड़ लेते हैं जो कि सामान्य है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखोगे वैसी नज़रिए से आपको दुनिया दिखेगी। देखिए, अप्सरा साधना करने से आपके पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अप्सरा साधना करने से प्रेम बढ़ता है, ना कि झगड़े चालू होते हैं। और आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका है, या कोई भी आपके परिवार में कोई रिलेशन में है, या आप रिलेशन में है, तो उससे किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होता भी नहीं है। सामान्यतः ये चीज़ें बढ़ती है, मतलब इन साधनाओं को करने से आपके अंदर प्रेम बढ़ेगा, आपके व्यवहार बढ़ेगा, आप लोगों का आपस में जो भी मतभेद है वो कम होगा, ना कि बढ़ेगा। दूसरी चीज़, मेरे एक परिवार में मैं रिलेशन में हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, क्या मैं अप्सरा साधना करूँगा तो नुकसान होगा? तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि ऐसे कोई भी नुकसान इससे नहीं होता है, और अगर आपके परिवार में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो वो एक जनरल समस्या है जो कि वो करते या ना करते तो भी होता है, और पारिवारिक झगड़े चलते रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी नेगेटिव सोच की वजह से वो चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आए, ये एक संभवता ये संभव है। और इस साधना को करने से कई लोगों के तो ऐसे ऐसे सवाल हैं जिससे तो डर हम खुद को लगने लग जाता है, मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ, और जो कमेंट पढ़ते हैं वो तो डर ही जाते हैं कि मैं अप्सरा, मैंने एक वीडियो में देखा या मैंने वहाँ पढ़ा है कि मैं अप्सरा साधना करूँगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी अगर मैं प्रेमिका या उसके रूप में करता हूँ, बहन के रूप में करूँगा तो बहन मर जाएगी या उसका भोग ले लेगी। बिल्कुल ये गलत बात है। ये देखो क्या होता है कि साधनाओं पर निर्भर करता है। हालांकि ऐसी आज तक के हमने जो अभी तक स्टडी की है या हमारे जो एक्सपीरियंस है साधकों का एक्सपीरियंस, उसके अनुसार तो बिल्कुल मैं इसको इस कथन का खंडन करता हूँ। पर मान लीजिए आपको ऐसे कोई साधना आप करने बैठ गए जिसमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, या कोई तंत्र साधना है, या फिर कोई ऐसी अघोर साधना है जिसमें ये चीज़ें हो सकती है, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इन चीज़ों से दूर रहिए। इस टाइप की साधनाओं से आप सात्विक साधना देखो, तंत्र साधना देखो, या साबर साधना देखो जिसमें पूर्ण रूप से सात्विक विधि बताई हो। बहुत सारे अप्सराएं नुकसान करती है आने के बाद, तो वो कब करती है, या तो आप उसको, जैसे मान लो आप उसको क्रोध में बुला रहे हो, क्रोध भैरव मंत्र का जाप कर लिए बहुत सारे और उस पर क्रोध करके आप उसको आमंत्रित कर रहे हो, या आप अघोर साधना कर रहे हो जिसमें आप उसको मांस मदिरा चढ़ा रहे हो जो उसको पसंद ही ना हो, लेकिन उसको आप बुलाने के चक्कर में इस टाइप के वो कर रहे हो जिसे उस साधना में बताया गया है, जो कि गलत पद्धति, मतलब एक वो एक अलग ही पद्धति है, वो हम लोगों के काम की नहीं है, ग्रस्त साधकों के लिए। तो उसको करोगे तो स्वाभाविक सी चीज़ है वो आपके क्रोध में आएगी, तो वो हो सकता है वो नुकसान कर दे या आपको परेशान कर दे या आपके परिवार के किसी व्यक्ति को परेशान करने लगे, क्योंकि उसको आप उसको परेशान कर रहे हो। हाँ, ये जरूरी है कि वो बंधनों में वचनों में बंधी होती है तो वो आपका नुकसान नहीं करेगी,
लेकिन हो सकता है आपके परिवार किसी जन का नुकसान कर सके, तो वो साधना से दूर रहो। आपको और भी बहुत सारी साधना हमारे चैनल पे भी है, और भी बहुत सारे गुरु भाई हैं, जो गुरु है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से या किताबों के माध्यम से बताते रहते हैं, तो उन लोगों की साधना का चयन करें और उस टाइप की साधना करें। साधना में समय जरूर लगता है, पहली बार में सिद्धि नहीं होती है, 2-3-4 बार जितनी भी बार आपको करना है रिपीटेड करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ये सब चीज़ें सत्य है और मैं इस पर एक मोटिवेशनल वीडियो और बनाऊंगा, जिसे आप देखोगे तो शायद आपको इस चीज़ों पर, जो जिनको भरोसा नहीं है ना कि ये साधना होती है या नहीं होती है, तो उनको भी विश्वास होने लगेगा कि ये रियलिटी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके सवाल का जवाब मिला हो, तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आने वाली साधनाओं की डिटेल आपको मिलती रहे। किसी भी प्रकार की सामग्री की अगर आपको आवश्यकता है और सही सामग्री चाहिए, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है स्फटिक की माला हो या यंत्र या जो अप्सरा साधना का किट हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं www.pravinmantraviggyan.com। यहाँ पर आपको भोजपत्र पर निर्मित यंत्र मिलते हैं, ना कि ताम्रपत्र पर, तो जब भी ऑर्डर करें, ये चीज़ मैं आपको पहले बता दिया हूँ, भोजपत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया, इसलिए हम ताम्रपत्र का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ताम्रपत्र पर यंत्र मशीनों से बनते हैं और भोजपत्र पे यंत्र हाथों से बनते हैं, और हस्तलिखित यंत्र बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर दिया है, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।